ऑर्डर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज की केस ये है कि जो पहले एक मदरसे में तौलियाइन जाफर जो दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जो अब पुलिस के हिरासत में है, उनके अहले खाना का कहना है कि हमारा लड़का इस इल्जाम से बरी है, उसको गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। उसको अहले खाना का कहना है कि हमारा लड़का इस इल्जाम से बरी है, उसको गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम जाफर और उसके वालिद रिजवान को अदालत में हाजिर किया जाए। कहिए क्या कहना है। मुझे पता चला है कि मेरी बेटी को बस इल्जाम में फंसाया गया है। अरे भाई, मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा बेटा मदरसा में पढ़ता है, उसको दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक, इसको बस इल्जाम में फंसाया गया है। जैसा है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बहुत चूक आया हूँ, और आप उसको छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, कोई तुम्हारी नानी का घर नहीं कि जब चाहो और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। और हमें खबर मिली है कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है और वहाँ दहशतगर्दी और बगावत की तारीफ दी जाती है। इसी में आपका बेटा भी शामिल है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। अरे भाई, आपको क्या मालूम, वहाँ तो प्यार मोहब्बत के फूल खिलते हैं, वहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया, जिसकी वजह से हम आप साथ ले रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। आप कैसी बात कह रहे हो, मदरसों में मोहब्बत और जंग आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है, तुम्हें किसने बता दिया? जंग आजादी में तो मुसलमानों का नाम और निशान नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत से लोगों का इंतजाम रहा है, मगर मुसलमानों का कहीं दूर तक नाम और निशान तक नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपने अपने आप में राष्ट्र परस्ती का चश्मा लगा रखे हैं, जो आपको एक तरफ सोचने से बाहर नहीं निकलने देती। और मुझे तो लगता है कि आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं, इसीलिए महंगी महंगी बातें कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि इस गुस्ताखी की वजह से आपको जेल भी हो सकती है। जेल आप जेल की बातें करते हैं, अरे जेल में जाने से कौन डरता है। जेल अपनी जान भी दे सकते हैं, इसीलिए कि हमारे स्टाफ ने अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर दी है, इसी तरह हम भी अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करेंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया जाए, इसमें बगावत की तो आती है। अब अगली सुनवाई कुछ देर के बाद होगी, साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को भी हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए कि जंग आजादी मुसलमानों का क्या रोल रहा है और मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी से ताल्लुक है कि नहीं। अदालत की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होगी, आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएं। ऑर्डर 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 सुनाइए क्या कहना है। मुजरिम जाफर का कहना है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है, इसलिए उन्होंने मौलाना अंसर
सर हक मौला दिया है तो साबित करेंगे कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या अहम रोल रहा है और उनके मुकाबले में बाबा रामदेव साहब। जी मौलवी साहब, तो ये बताइए कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है? अवश्य श्रीमान बाबा साहिब, पहले आप ही बता दीजिए कि हिंदुओं का जंग आजादी में क्या रोल रहा है। वैसे तो बताने का आवश्यकता नहीं है कि जंग आजादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का हर वासी नारी से लेकर बालक तक और बेबाव से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारे रक्तदान से आजाद हुआ है, परंतु कई प्रकार डाल देते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग की दिल्ली हो जाए। सन 1920 में जंग आजादी का सिर्फ एक ही मार्ग समझा जाता था और शांति शक्ति अशांति को भंग करना, अशांति फैलाना, हिंसा का प्रयोग करना, आपस में एक दूसरे से लड़ना, बगावत के जज्बात को हवा देना। किंतु इस पूरे कार्ययुग काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र प्रताप और उन महापुरुषों ने लड़कर बरतानवी समाज से अपना द्वार लगवाया और उनके विरोध अपने आत्मा परमात्मा से पूर्ण करते रहे, तब जाके ये भारत देश हमारे पट में आ गया। अब आप बताइए मौलवी साहब, आप जो कुछ कहते हैं उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका एक तरफा बात भी है, अपनों का जिक्र किए और दूसरों को भूल गए। अच्छा, तो आप भी बता दीजिए, भाषण दीजिए ताकि हम लोगों को ज्ञान हो जाए कि दूसरों की क्या क्या भूमिका रही है। बाबा आप तारीख की किताब कौन से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। तो लीजिए कुछ बातें मैं भी बता दूं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सर जमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो आपने सरदाराना रुआया राणा तरीके से यहाँ के मालिक बन गए थे। तो जब बासिंदगाना हिंद पर तरह तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे और हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, तो ऐसा नाथ वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आला बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस का कबीर इमाम जलील फखरे चमन माहिर पंच नाज़ वतन शाह अब्दुल अजीज इब्ने वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी मसनद से बैठ कर कुरान हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम खानकाहों में बैठ कर अपने खूने जिगर से हिंदुस्तान आजाद करने वाले मशाइख़ इनाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़ कर मैदान में आ गए और फरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर मंजिल के जाने पे सारो सामने का आलम में निकल पड़े। इन्हीं उलमा किराम की जलाल और बहादुरी है मिसाल की रोशनी में 1857 की जंग आजादी बहादुर शास्त्री वर्गी के हाथ में लड़ी गई, लेकिन ये जंग नाकाम हुआ और नाकाम की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। इसमें तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए और जिसमें 52,000 उलमा की कुर्बानियां थी, उनका माल वगैरह लूट लिया गया। इसी तरह जानी व माली कुर्बानी के बावजूद तहरीक आजादी का सिलसिला मुख्तलिफ सबरों में जारी रहा है। अभी लाकर हमारा मुल्क तमाम फिरकों मुसलमानों खासतौर उलमा किराम की जो है जो मुसलमान यही कोशिश रही है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जमहूरियत करार दिया गया है। दोस्तों दस्तूर का सेकुलर दस्तूर को नाम दिया गया और आप कहते हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। सज्जनों और मंच पर उपस्थित महावासियों और महापुरुषों तथा नन्हे नन्हे बालकों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या बयान किया, और इसके अलावा कोई दूसरा कबूल है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास बेशुमार दलीलें मौजूद है। अंग्रेज थॉमसन अपनी याददाश्त लिखता है कि 1857 से लेकर 1867 तक अंग्रेज निकामा को खत्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी अलमदार साल है। इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमा को तख्तदार पर लटका दिया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर सदर तक कोई ऐसा दर्द न था उस पर उलमा किराम की गर्दन न रखी हो। थॉमसन कहता है कि लाहौर के शाही मस्जिद के साहिल में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा
विद्यार्थियों नामा को फांसी दी जाती थी। तामसन कहता है कि हरनामा का इसम का पूरा बूटा कर दिया। तामसन कहता है कि लाहौर की नदियों में उलामा की नाश पड़ी रहती थी। तामसन कहता है जब मैं दहली के रहने में मगा तो मुझे गर्व की बदू महसूस हुई और मैं खैमे के पीछे चला गया। क्या देखता हूँ, क्या क्या देख रहे हैं और 40 गुलामों के कपड़ों को उतार कर उन्हें घरों में डाल दिया गया और मुझे देखते देखते 40 और गुलामों को बुलाया गया, उनके कपड़े उतारा गया और कहा कि मौलवियो जिस तरह इन 40 को पकाया गया है इसी तरह तुम्हें पकड़ दिया जाएगा। तुम सिर्फ एक आदमी ये कह दोगे 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देंगे। तो लीजिए आपके धर्म के मानने वाले लेखक जी आपके सामने मौजूद है, आप इन्हीं से मालूम कर लीजिए अगर मैं अपने धर्म से किसी का राजी करूंगा तो आप कहेंगे ये तो आपके धर्म के मानने वाले हैं, तो ये आपकी तरफदारी नहीं तो और क्या।